नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों फिल्म भला की एडवांस बुकिंग के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ज्यादा अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि दोस्तों मैं किसी काम से जयपुर गया हुआ था, तो मैं अभी आया हूँ। आते ही मैंने आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भला फिल्म के बारे में अभी तक अलग अलग तरह के आंकड़े अलग अलग चैनल पे मैंने देखे हैं। एक महाशय ने जो जिसके लाखों सब्सक्राइबर है, उन्होंने आज सुबह केवल 5 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग बताई थी। और दोस्तों एक और सब्सक्राइबर, एक और बड़े यूट्यूबर है जिन्होंने, और एक और दो तीन है मतलब बड़े बड़े, जिन्होंने करीब 18 लाख रुपए की मतलब विदाउट ब्लॉक सीट्स एडवांस बुकिंग भला फिल्म की बताई थी। तो दोस्तों ऑफिशियल अपडेट अभी भी नहीं आया, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये जो रिपोर्ट जा रही है वो सिग्नल से ज्यादातर डाटा लिए गए हैं और वहां से अपडेट जल्दी नहीं हो रहे हैं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि अभी किसी भी बड़े ट्रेड एनालिस्ट ने भला फिल्म के आंकड़े जारी नहीं किए एडवांस बुकिंग के, ना तो तरण आदर्श ने, ना ही कोमलनाथ ने, किसी ने भी अभी तक ऑफिशियल आंकड़े जारी नहीं किए, ना ही प्रोड्यूसर ने जारी किए अभी तक आंकड़े। तो ये बात आप ध्यान रखना, इसीलिए यूट्यूबर्स के जो आंकड़ों में अभी अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को आ रही है। तो दोस्तों मेरे पास अभी जो 6 बजे तक की रिपोर्ट है उसके बारे में, 6 बजे तक सॉरी 3 बजे तक की जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इससे पहले आपको ये जानकारी दूं, भला फिल्म का जो रन टाइम है वो भी रिवील हो गया है और ये करीब 2 घंटे 25 मिनट की फिल्म है, जिसमें जो फर्स्ट हाफ है वो 1 घंटा 19 मिनट का है और जो सेकेंड हाफ है वो करीब करीब 1 घंटा 6 मिनट का है। तो काफी अच्छा रन टाइम है, ये रन टाइम बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी मूवी के लिए, तो काफी अच्छा रन टाइम है। अब बात करें दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो एडवांस बुकिंग बता रहे हैं वो सभी चैनल से काफी ज्यादा है, तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। एक्चुअली ये जो एडवांस बुकिंग है ये मतलब विद ब्लॉक सीट्स है, ये इंक्लूड जो मैंने सुबह आपको आंकड़ा दिया था 1.43 करोड़ रुपए का, तो ये विदाउट विद ब्लॉक सीट्स है। विदाउट ब्लॉक सीट्स तो अभी तक की जो रिपोर्ट है मेरे पास वो करीब 35 to 38 लाख रुपए के आसपास है, अभी तक 3 बजे के आसपास की ये रिपोर्ट है। तो ये एडवांस बुकिंग अभी सभी वर्जन को मिला करके, ये 2D है, 3D है और जो 3D IMAX है, 4DX है, इन सबको मिला करके करीब करीब 33 to 38 लाख के बिटवीन कहीं पर ये आंकड़ा अभी तक हुआ है। पूरा अपडेट अभी नहीं है, अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आप करीब करीब मानिए कि 35 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग भला फिल्म की हो चुकी है। नेक्स्ट अपडेट आएगा तो मैं इसके बारे में आपको और जानकारी दूंगा। और सुबह के अपडेट तक करीब 5,500 टिकट्स टोटल बेचे जा चुके थे भला फिल्म के, 5,500। और इसके बाद में कितना अपडेट्स आए टिकट्स के बारे में अभी मेरे पास नहीं है। साथ ही मैं आपको जो रिपोर्ट्स है वो भी देता चलूँ कि इसकी जो 4D की प्राइस है, जो 3D की प्राइस है, 3D IMAX की प्राइस है वो करीब 510 रुपीज़ है और 3D 4DX की जो टिकट रेट है वो करीब 580 रुपीज़ है। वही दोस्तों अगर 2D की बात करें तो जो टिकट प्राइस है वो करीब करीब 230 रुपीज़ है और अगर 3D की बात करें तो प्राइस रेट 230 एवरेज प्राइस है, तो काफ़ी अच्छी प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है। इसके अलावा आपको एक और जानकारी दे दूं, अभी तक जो इंटीरियर्स है, जो मतलब कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स है, वहां से ज्यादा एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट नहीं आई है। और अजय देवगन सर को मास मारा जाए इसीलिए कहते हैं कि वहां से उनकी एडवांस बुकिंग काफी अच्छी आती है, और एडवांस बुकिंग नहीं भी आती है तो वहां से कलेक्शन बहुत अच्छे आते हैं भला फिल्म के, और आएंगे सभी फिल्मों के आए हैं। तो अभी कोई भी ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि आप भला फिल्म की एडवांस बुकिंग को खराब कर रहे हो या कई लोग कह रहे हैं कि अभी कम हुई है, इतनी कम हुई है, तो ऐसा कोई कम नहीं है। ये एडवांस बुकिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली कल रात से एडवांस बुकिंग थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई है और आज सुबह से पूरी अच्छी तरीके से एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, तो रात होते होते डेफिनेटली मुझे लगता है कि एडवांस बुकिंग है वो 1 करोड़ के आसपास होगी, मतलब कि विदाउट ब्लॉक सीट ये डेफिनेटली 1 करोड़ रुपए के आसपास हो सकती है, जिसके बारे में अगर पॉसिबल हुआ तो मैं एक वीडियो में आपको और जानकारी दूंगा कि किस प्रकार की एडवांस बुकिंग आ रही है। लेकिन फिलहाल काफी अच्छी एडवांस बुकिंग है, 35 लाख से 40 लाख के आसपास इसकी एडवांस बुकिंग अभी तक है, 3 बजे के आसपास की ये रिपोर्ट है। पूरा जो डाटा है, कितनी टिकट सेल हुई है, कितना क्या हुआ है और कितने 2D 3D का अलग अलग क्या है, उसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँ। और अगर आज नहीं ला सका तो मैं कल सुबह आपको पूरा अपडेट दूंगा, आज रात 10 बजे तक का जितना भी अपडेट मेरे पास निकल के सामने आता है तो वो पूरा अपडेट दूंगा। हालांकि दोस्तों सबके अलग अलग डाटा जा रहे हैं, जब तक ये जो ट्रेड एनालिस्ट के डाटा जाना शुरू नहीं होंगे, जब कल से शायद मुझे लगता है कि कल से ये कोमलनाथ और तरण आदर्श इनके भी डाटा जाना शुरू हो जाएंगे, और प्रोड्यूसर का भी अभी कोई डाटा नहीं है, अजय देवगन सर की तरफ से कोई एडवांस बुकिंग के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। अब वो देंगे या नहीं देंगे, इसी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में रिपोर्ट करेंगे, इसके बारे में अभी पता नहीं है। तो जब तक ये डाटा नहीं आएंगे तब तक केवल सेक्निल्क पे तो आधारित ये डाटा दिए जा रहे हैं, जो अभी तक दिए जा रहे हैं उनके डाटा कई बार अपडेट टाइम पे होते नहीं है, तो उसमें काफी फर्क आ जाता है। और कई चैनल वाले क्या कर रहे हैं कि विदाउट ब्लॉक सीट बता रहे हैं और कुछ विद ब्लॉक सीट बता रहे हैं। अब पठान फिल्म के सभी ने मतलब विद ब्लॉक सीट बताया था, अब भोला फिल्म के अगर कोई विद ब्लॉक सीट बताता है तो कहता है कि आप बहुत ज्यादा बता रहे हो। तो ये दोहरापन नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है कोई विद ब्लॉक सीट बता रहा है, कोई विदाउट ब्लॉक सीट बता रहा है,
लगभग आंकड़े तो लगभग वही जा रहे हैं ना, तो आंकड़ों में कोई ज्यादा फर्क थोड़ी आ रहा है, इधर उधर थोड़ी हो रही है आंकड़े, तो लगभग आंकड़े वही है। और पूरा एक्यूरेट आंकड़ा है वो मैंने आपको बताया कि अब से आने शुरू हो जाएंगे, ट्रेड एनालिस्ट से भी आएंगे, प्रोड्यूसर की तरफ से भी तो कुछ हिंट मिलेगी, टेक्निकल वाले और जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है उनकी तरफ से भी, एक उसी वेबसाइट पर डिपेंड होना जरूरी नहीं, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के आंकड़े निकल करके सामने आएंगे, तो पूरा डाटा क्लियर होगा। तो कब तक वेट कीजिए, आज रात तक पूरा जो डाटा सामने आएगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं आपको डेफिनेटली कहना वाला हूँ कि बोला फिल्म बहुत बड़ी ओपनिंग लेगी, अच्छी खासी एडवांस बुकिंग इसकी होने वाली है, अच्छा खासा इसका क्रेज है, और डेफिनेटली ये फिल्म एक बम्पर ओपनिंग लेने वाली है। अभी इसका बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन जो बड़े बड़े सब्सक्राइबर है, जिनके लाखों सब्सक्राइबर है, 12 से 15 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन मुझे डेफिनेटली लगता है कि 20 करोड़ से ऊपर कलेक्शन जाएगा। डेफिनेटली किसी भी हालत में 20 करोड़ से ऊपर की ओपनिंग ये लेने वाली है, 100 करोड़ फिल्म का बजट है, तो अगर 20 करोड़ के आसपास ओपनिंग लेती है तो ये बहुत अच्छी ओपनिंग कही जाएगी और बोला बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हंगामा करेगी। अभी आज पहला दिन ही मानिए आप ओपनिंग का, अभी एडवांस बुकिंग का अभी खुली है, अभी से आप कहने लगे कि अच्छी एडवांस बुकिंग नहीं है, अभी टाइम दीजिए, कल देखिएगा आप, कल जब शायद सुबह की रिपोर्ट है तो 1 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग विदाउट ब्लॉक सीट आपको मिलेगी। तो मैं तो इतना ही कहना है कि आप अगर अजय देवगन सर को पसंद नहीं करते हैं तो आप उल्टे सीधे डाटा मत दीजिए, आपके इतने बड़े सब्सक्राइब है, इतने सारे सब्सक्राइब है, जो भी आप एक्चुअल रिपोर्ट है वो दीजिए, और जो भी अदर सोर्सेज से रिपोर्ट आ रही है वो बहुत ज़्यादा है, जो रिपोर्ट मैंने बताई उससे बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन मैं अभी वो रिपोर्ट आपको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब तक मेरे पास कन्फर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती मैं कोई डाटा आपको देता नहीं हूँ, इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में भी आज देर हुई है, मैं बिजी भी था आज, लेकिन इसीलिए लेट भी हुई है। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे कि आगे किस तरह के अपडेट्स निकल करके सामने आता है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।